नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में मौसम के बारे में। प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड होती थी, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है उसमें मौसम शुष्क है। बता दें कि करीब 28 साल के बाद दिसंबर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का औसत में 2 से 4 डिग्री अधिक बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा है। एक तरह से कहें कि ठंड पूरी तरह से गायब हो गया है। पिछले एक हफ्ते में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि आने वाले कुछ दिनों में पारा नीचे गिरेगा, लेकिन अभी तक लोगों को उस तरह की ठंड का एहसास नहीं हुआ है, जिसके लिए दिसंबर का महीना जाना जाता है। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। यह बढ़ा हुआ अंतर ही मौसम को गर्म बना रहा है। बता दें कि प्रदेश में ठंड आने का सबसे बड़ा कारण होता है पछुआ हवा, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है और गंगा के मैदानी भाग को पूरी तरह से कपकपा देती है। लेकिन इस बार यानी कि इस साल अभी तक केवल एक बार पछुआ हवा बिहार में प्रवेश की है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि दूसरी बार इसके यानी कि 10 दिसंबर तक बिहार में आने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से नवम्बर से दिसंबर के बीच में यानी कि इन दोनों के बीच में जो है पहला सप्ताह जो होता है उसमें करीब 6 बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाता था। बता दें कि यह विक्षोभ देश में पश्चिम से प्रवेश करता है, इसलिए इसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसी के कारण प्रदेश में नमी के साथ हवा बहती है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ती है और बर्फबारी भी होती है। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं इस गर्म मौसम से होने वाले नुकसान के बारे में। गर्मी के कारण फसलों के अंकुरण प्रभावित हो सकता है। इस दौरान फसलों में सिंचाई की जानी चाहिए, साथ ही साथ फसल इसमें आते हुए अगर फसल है तो उसमें भी जो है सिंचाई की जरूरत होती है। इसकी परिपक्वता यानी कि जो उसकी जो मात्रा होती है उसमें जो बीज तैयार होते हैं उसमें जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। विभाग की तरफ से यह भी बताया गया है कि न्यूनतम तापमान के बीच में अधिक अंतर होने से रात में जो है भोजन पचने में दिक्कत भी हो सकती है। इस दौरान शरीर में समुचित ऊर्जा भी नहीं बन पाता है। तो एक तरह से कह लें कि पिछले 28 साल के रिकॉर्ड को देखें तो उसमें जो है अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसमें बिहार में ठंड की मात्रा बहुत ही कम है। दिसंबर का महीना लोगों को हाड़ कपा देने वाली ठंड होती थी, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है इसमें सूर्य की रोशनी की किरणें जो है वह तेजी से पड़ रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।